सब्सक्राइब कीजिए अर्न विद आरके चैनल को, बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के बारे में जानने के लिए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अर्न विद आरके में स्वागत है और आज हम फिर लेकर आए हैं आपको देश दुनिया की ताजा खबरें जो आपको जानना बहुत जरूरी है, जो बिटकॉइन में या क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं। और इसके साथ हम आपसे कुछ बहुत जरूरी बात भी करेंगे इस चैनल के बारे में। तो दोस्तों देर नहीं करते हैं, चलते हैं आज की ताजा खबरों पर। चलिए चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, और एक बार फिर मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बोला था कि मेरे नाम का लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और कई लोगों को उन्होंने बेवकूफ बनाया है, कईयों से पैसे लिए हैं, कईयों से गलत सलत वायदे किए हैं। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग मुझे कमेंट करते हैं वो कमेंट में अपने नंबर ना डालें, क्योंकि जो स्कैमर हैं या जो मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं वो आरके गुप्ता बन के आपके फोन नंबर पर फोन करते हैं, कहते हैं हम आरके गुप्ता बोल रहे हैं या आरके गुप्ता के एम्प्लॉय बोल रहे हैं, और वो आपसे कुछ भी गलत सलत वायदा करते हैं या कुछ भी आपसे कहीं भी इन्वेस्ट करने के लिए आपको प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरी तरफ से आप लोगों को कोई फोन नहीं जाता, और मैं जिस फोन नंबर को यूज करूंगा वो आने वाले टाइम में आपको वीडियो पे बताऊंगा क्लियर कि ये मेरा नंबर है। अगर उस नंबर से अगर आपको फोन आता है तो आप समझिए कि वो मेरे चैनल से आ रहा है, वरना और किसी भी नंबर से आपको अगर कांटेक्ट किया जा रहा है और आरके गुप्ता बनके या अनविद आरके चैनल की तरफ से ये बोलकर किया जा रहा है कि हम आरके गुप्ता की तरफ से बोल रहे हैं, तो उसको आप एंटरटेन ना करें और ध्यान रखें इस चीज के लिए आने वाले टाइम में। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने फोन नंबर कमेंट में शेयर ना करें। अगर आपको मेरे से बात करना है या मुझे अपने नंबर मुझे कमेंट करना है तो आप मेरे फेसबुक पेज पर जाइए और उस फेसबुक पेज पर जाकर मैसेज कर दीजिए अपने नंबर को या अपने जो भी आप कहना चाहते हैं उसको। और दूसरी बात यह है कि मेरा मेल एड्रेस भी इस डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ है, आप उसमें जाके उस पर मेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहली खबर लेता हूं इंडिया की, और आपको पता होगा कि अभी कुछ दिनों पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की थी जितने भी एक्सचेंज हैं इंडिया के, चाहे वो जैपे हो, चाहे वो यूनोकॉइन हो, चाहे वो कॉइन्स सिक्योर हो, और बहुत सारे भी जो एक्सचेंज थे उन पर उन्होंने कार्रवाई की थी। और उस कार्रवाई में जो रिजल्ट सामने आया है वो मैं आपको बताऊं कि कम से कम 20 लाख लोगों के अकाउंट जो है उन्होंने फाइंड किए हैं, जो रजिस्टर कर चुके हैं, और 4 से 5 लाख लोगों को उन्होंने ये देखा है कि जिन्होंने सस्ते में बिटकॉइन खरीदे थे और महंगा बेचा है, तो उनको उन्होंने नोटिस जारी किए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, जिससे वो ये देखना चाहते हैं कि जिन लोगों ने उससे प्रॉफिट गेन किया है उन्होंने इनकम टैक्स भरा है या नहीं भरा है। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी से या बिटकॉइन से अगर आप कुछ भी प्रॉफिट उठाते हैं या आप कोई भी लाभ लेते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप बहुत कम समय के लिए अगर आप फायदा उठा रहे हैं, आप लाभ उठा रहे हैं, तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। 20 से 30% का कैपिटल गेन होता है। आप अपने CSA इस बारे में बात करके और इसको जरूर फिलफिल करें। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि अगर कोई ऐसी आप फायदा लेते हैं किसी भी इंडियन एक्सचेंज से तो आप टैक्स का ध्यान रखें, जिससे आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो। तो दोस्तों अगली खबर आ रही है अमेरिका की, और ये CNBC की तरफ से खबर है। एक CNBC पर एक इंटरव्यू आया था एक एनालिस्ट का, अमेरिका के एक फेमस एनालिस्ट हैं, और उन्होंने ये दावा किया है कि बिटकॉइन जो है आने वाले टाइम में बहुत जल्दी $3 लाख से $6 लाख तक क्रॉस कर सकता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर है। और तो दोस्तों जो अगली खबर है वो ये है कि आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि जो क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप है वो अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी के मार्केट कैप को क्रॉस करके आगे बढ़ गया है। तो मैं आपको बताऊं कि अमेज़न का जो इस समय मार्केट कैप है वो है $600 बिलियन
600 बिलियन डॉलर को क्रिप्टो करेंसी के मार्केट ने क्रॉस कर दिया है और क्रॉस करके ये आगे बढ़ गया है। और अगली खबर लेता हूं तो दोस्तों, अगली खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका में एक गवर्नमेंट एजेंसी है जिसका नाम है यूएस कम्युनिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन, CFTC, और उन्होंने ये अनाउंस किया है कि वो बहुत जल्दी एक वेबसाइट लेके आ रहे हैं जो लोगों को एजुकेट करेगी और नॉलेज देगी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कि उनको कैसे इसको ट्रेड करना है, कैसे इसको समझना है, कैसे इसमें इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। प्राइम मिनिस्टर साहब जो है उनका नाम है ब्रूनो ली मैरी, और उन्होंने G20 देशों से ये अपील की है कि जो अगला सम्मिट होने वाला है G20 का अर्जेंटीना में, उन्होंने कहा है कि इस बार इस बिटकॉइन को भी उसमें जोड़ना चाहिए और डिस्कशन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने G20 देशों से ये आगाह किया है कि इसको, इस G20 जो सम्मिट होगा इसमें वो भी सब्जेक्ट रखें और उसके बारे में भी डिस्कस करें। दोस्तों, अगली खबर आ रही है साउथ कोरिया की तरफ से, और साउथ कोरिया ने जो अभी डिक्लेयर किया है वो ये किया है कि उसके जो अभी बिट थंब पर जो अटैक हुआ था, बिट थंब को हैक किया गया था और बहुत सारे लोगों के जो पर्सनल डाटा थे वो जो निकाल लिए गए थे, उसके पीछे उसने कहा है नॉर्थ कोरिया का हाथ था। नॉर्थ कोरिया ने उस पर अटैक किया और उस हैकिंग अटैक से उसने बिट थंब से बहुत सारे बिटकॉइन और जो डाटा थे वो हैक कर लिए गए थे। तो ये अगली खबर है दोस्तों, और नेक्स्ट खबर पर चलता हूँ। दोस्तों, अगली खबर आ रही है अमेरिका से, और अमेरिका की ये खबर है कि एक ISO है सेंट्रा, और सेंट्रा पर लॉ सूट फाइल हो चुका है अमेरिका की तरफ से, और अमेरिका की गवर्नमेंट ने और वहाँ की जो निगरानी एजेंसी है उन्होंने ये चेक किया है कि ये जो वहाँ के पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा था, और उस पर उन्होंने अभी लॉ सूट दाखिल हो गया है, मतलब मुकदमा दायर कर दिया गया है उसके ऊपर, और अब देखिए कि आगे क्या होता है इसके ऊपर। और अगली खबर भी मैं अमेरिका से लेता हूँ। अमेरिका की जो IRS डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने ये क्लियर किया है कि अगर आप ICO में या और दूसरे अल्टकॉइन में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, बिटकॉइन को एक्सचेंज करते हैं अल्टकॉइन में, या अल्टकॉइन से बिटकॉइन में अगर एक्सचेंज करते हैं, तो ये मत सोचिएगा कि आप इनकम टैक्स के दायरे से निकल गए। तो उन्होंने कहा है कि आप चाहे अल्टकॉइन से बिटकॉइन खरीदते हैं, बिटकॉइन से अल्टकॉइन खरीदते हैं, आप फिर भी इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। तो दोस्तों, आज की खबरें इतनी ही, और एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि एक तो जो लोग नीचे अपने फोन नंबर देते हैं मेरे मैसेज में, अगर उनको कोई फोन आता है अननोन नंबर से और वो कहता है कि मैं अनविद आरके से हूं, तो उसको एंटरटेन ना करें, उसको उससे बात ना करें। और दूसरी बात ये कि जो लोग इंडियन एक्सचेंज में काम कर रहे हैं और जिन्होंने बहुत चंद पैसों में 20,000 30,000 40,000 में बिटकॉइन खरीदा और बेचा 10,00,000 में, और जो उन्होंने बीच का प्रॉफिट कमाया, तो उस पर वो इनकम टैक्स जरूर भर दें, जिससे वो इनकम टैक्स के लीगल एक्शन के दायरे से निकल जाएं और उसमें ना आए। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना, अगली बार हम फिर मिलेंगे आपसे नई ताज़ा खबरों के लिए। नमस्कार, जय हिंद।